लोकसभा चुनावों की आहट को देखते हुए एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंजन ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की नर्वस टटोलते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनावों में लोगों का मूड कांग्रेस की ओर बदल चुका है और केवल मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। उन्होंने युवा सम्मेलन के दौरान व्यंग्य कसते हुए कहा कि जिस तरह सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री को हराकर सत्ता का सेमीफाइनल जीत लिया है, अब उसी तरह लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को हराकर फाइनल जीतना बाकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर लोगों के बीच व्याख्यान करें। उन्होंने कहा कि लोगों को बताएं कि युवाओं को रोजगार मिला है, 15 लाख खाते में आए, पेट्रोल के दाम कम हुए आदि ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता झूठ फरेब की राजनीति में माहिर हैं। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर को घेरते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार होते हुए क्षेत्र का विकास कम जबकि अपना विकास ज्यादा किया। उन्होंने कहा कि लोगों का भाजपा से मोह भंग हो चुका है और आम जनता बदलाव के मूड में है। इस बार हमीरपुर लोकसभा में भाजपा की अंतिम विकेट को उखाड़कर कांग्रेस प्रत्याशी की विजय होगी और केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे पूर्व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़सर में पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंजन का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इससे पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश सचिव कांग्रेस अभिषेक राणा, प्रदेश सचिव कमल पठानिया, प्रदेश अध्यक्ष करुण शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष बड़सर विशाल राणा, हमीरपुर लोकसभा युवा कोऑर्डिनेटर मनु डोगरा, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई रूबल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधन करके युवाओं में जोश भरा। इस अवसर पर प्रतीक शर्मा, हितेश चौहान, विकास, अखिल, निखिल, पूजा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यूथ कांग्रेस का जो राजस्थान का अध्यक्ष है वो मंत्री है राजस्थान सरकार में, वहीं पे मध्य प्रदेश में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को तो टिकट तो बड़ी बात रही, उनको राहुल जी ने मंत्रिमंडल में जगह दी है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल जी हमेशा